नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में और मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच छिड़ी जंग की। कोरोना की वजह से देश महासंकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के आके सिस्टम ने दम तोड़ दिया है और ऐसे में लोग बेहाल है, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। गैर बीजेपी शासित राज्य मोदी सरकार पर पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र ने कंपनियों पर दबाव बनाया है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं दिए जाए। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका करारा जवाब दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कोरोना को रोकने में नाकाम रहने पर पीएम मोदी का इस्तीफा तक मांग डाला। लॉकडाउन को लेकर भी केंद्र ने गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कई सुझाव दिए हैं। पत्र में कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण बढ़ाने के प्रयास अहम होने चाहिए। हमें ये देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कितने लोगों को टीका लग चुका है, बल्कि आबादी कितने प्रतिशत का टीकाकरण हुआ है, ये बहुत अहम होता है। सही नीति के साथ ही हम इस दिशा में बेहतर तरीके से और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने राज्यों को टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी तय करने की अंदर कुछ ढील देने की भी बात कही है, वकालत की है। और साथ ही सवाल ऐसे में ये है कि क्या कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीतियों में खामियां हैं? इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है? केंद्र राज्यों के बीच कैसे तालमेल बैठे? अगर सरकार लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ती है तो क्या मंजूर हो चुकी वैक्सीन के आयात को लेकर राज्यों को आजादी नहीं दी जानी चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या CSR फंड राज्यों को देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? करेंगे तमाम सवालों का पड़ताल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की मार, सिस्टम बेजार, लोग बेहाल, लेकिन सियासत जोरदार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सबको हिला कर रख दिया है। नए केसों की सुनामी से पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान ले रही है, लेकिन महामारी के दौर में भी सियासत जोरों पर है। नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। ऑक्सीजन और एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को लेकर मोदी सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच वार पलटवार जारी है। NCP नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र के दबाव में कंपनियां ऑक्सीजन और रेमडेसिविर महाराष्ट्र को नहीं दे रही हैं। इन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र की समस्या ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि वहाँ की अयोग्य और भ्रष्ट सरकार है। 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मेट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया 1500 मेट्रिक टन। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया। ममता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में नाकाम रहे हैं। ममता ने केंद्र से 5.4 करोड़ वैक्सीन की खुराक मुहैया कराने की भी मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही केंद्र के अस्पतालों में 7000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाने की भी मांग की है। दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10000 में से 7000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10000 में से 7000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। यहाँ भी सियासी रंग दिखा और बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री डीबी सदानंद गौड़ा को पत्र लिखकर बांग्लादेश की कंपनी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 50,000 डोज खरीदने की इजाजत मांगी है। जाहिर है कि सुविधाओं का बेहद अभाव है और राज्य अपने बलबूते कोरोना से लड़ने की कोशिश में जुटे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी साफ तौर से दिखाई दे रही है। लॉकडाउन को लेकर तो गृह मंत्री ने गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है, लेकिन सवाल ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी इंतजाम कैसे होंगे?
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही राज्यों को और जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई है। कोरोना को लेकर जहां केंद्र सरकार कई राज्यों के निशाने पर है, वहीं चुनावी रैलियों पर भी बीजेपी की आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी। ममता बनर्जी ने भी रैलियां कम और छोटी करने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी के तरफ से ऐसा कोई ऐलान अब तक नहीं हुआ। इसके पीछे भी बीजेपी के तर्क हैं। स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि यहां पर शांति से चुनाव होना चाहिए। ये पहली बार ममता जी चीफ मिनिस्टर में पब्लिकली कह रहे हैं कि हम घेराव करो जनता को। शी इज इंस्टिगेटिंग द पीपल, दैट इज वेरी अनफेयर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में फेयर चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और सिक्योरिटी फोर्स में मदद करती है। सवाल ये है कि जब लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है, तो फिर चुनावी रैलियों में नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? सवाल ये भी है कि इतने मनभेद और मतभेद होंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीतियों में खामियां हैं या नहीं। इन खामियां हैं तो इन खामियों को दूर कैसे किया जा सकता है, केंद्र राज्यों के बीच कैसे तालमेल बैठे, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज हम इस डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और इस वक्त हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपी की प्रवक्ता हैं। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा शाइना जी आपसे है, किस तरह से मैम आप इसे देखती हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह का लगातार सवाल उठ रहा है कि केंद्र की नीतियों में कुछ खामियां हैं, क्या बदलाव की आपको लगता है गुंजाइश है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे विश्व में भारत के को लेके बहुत सारी चर्चा, आप मेरी आवाज एको हो रही है, चर्चा और बल्कि स्वागत हुआ था कि प्रधानमंत्री और खास तौर से भारत सरकार ने किस ढंग से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में कैसे कोरोना को संभाला। अभी हम सब जानते हैं कि ये नया वायरस जो है वो अपनी जगह एक म्यूटेशन जो लेके आया है वो उससे पूरे देश में छोड़िए विश्व में लोग शायद तैयार नहीं थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री और आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने खास तौर से कहा है कि बेड्स को लेके कमी है, लेकिन हम कैसे रफ्तार से रेलवेज हो या फिर प्राइवेट संस्था हो या फिर एनजीओज हो, सभी आगे आए हैं। बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां ऑक्सीजन को लेके भी हालात में बदलाव और दवाइयों को लेके भी। आज मैं एक डॉक्टर को सुन रही थी और उस डॉक्टर ने कहा कि भारत को छोड़े विश्व भर में लोगों को पता नहीं कि ये सेकेंड वेव को कैसे संभाला जाए। इसके बावजूद भारत में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के निमित्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निमित्त, हर स्टेक होल्डर, फार्मा कंपनीज हो या फिर डॉक्टर फ्रटर्निटी या फिर एनजीओज या फिर अस्पताल, सभी के साथ हम इस जंग में साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक इनविजिबल टेररिस्ट है और ब्लेम गेम से हम कुछ नहीं हासिल करेंगे कि कौन से है बीजेपी स्टेट्स, कौन से ये तो मैम देखिए एक साल पहले की बात हो गई, जब कोरोना वायरस आ रहा था तब हम लोग ये कह रहे थे कि एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, देश ही नहीं बल्कि विदेश भी इससे जूझ रहा है, लेकिन तमाम तरह की बातें पहले कही जा रही थी। लेकिन मैम मुझे ये बताइए कि इस एक साल के बाद अब जब दूसरी वेव भारत में देखी जा रही है कोरोना की, तो क्या हमने अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, कुछ डेवलपमेंट हुई है क्या, क्या आप देखती हैं क्या? अगर हाँ तो आज ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? अगर बेहतरी देखती हैं आप तो क्यों आखिर आज इस तरह के हालात है कि लोगों को दम तोड़ना पड़ रहा है? देखिए, लोगों को दम
तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में जहां 130 करोड़ की जनता, वहां आपको ये श्रेय भी देना चाहिए कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स हैं, वो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करना कि जल्द से जल्द जिस रफ्तार से हमारा प्रयास रहा है कि लोगों तक ये पहुंचे, इसके बावजूद जो ये म्यूटेंट है वो उसके लिए आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे कि ये समस्या का समाधान या फिर सिर्फ रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सब एकजुट लड़ना है इस पूरे वायरस को फाइट करने, और वो उस परिपेक्ष में केंद्र राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल रहा है, जो समझ रही है, जहां हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, यही रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का एकमात्र बिंदु अभी, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम देखें कि सिचुएशन को काबू में लिया जाए, जैसे कि पहले लहर में जहां चर्चा और प्रशंसा भारत की हो रही थी विश्व भर। ठीक है आलोक जी, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, भारत की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जैसा कि शायना जी कह रही हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं, क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को लगता है। और कौन सा विश्व में झंडा बुलंद हुआ था हमें तो समझ नहीं आया अभी तक। बीजेपी अपनी स्वस्थ करती थी पिछले एक साल से, और बीजेपी और मोदी साहब ने खास तौर पर स्वस्तुति के चक्कर में, विश्व लीडर बनने के चक्कर में देश को आज यहाँ पहुंचा दिया। अंधेर नगरी चौपट राजी तके से दिन में मोदी साहब बड़ी बड़ी भाषण दे के रैलियां करते हैं, वोट मांगते हैं, और ये पूरे देश को हिंदू मुसलमान का चिटाया था पिछले 7 साल से, उसका नतीजा है तो देश भुगत रहा है। चाइना जी मेरी बहुत अच्छी पुरानी जानकार रही हैं। चाइना जी, एक हॉस्पिटल का नाम बताइएगा जो दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाया हो, उसमें बेड कहां पर एक भी उपलब्ध होने शुरू हो गए हो। आप 1.5 साल का समय मोदी जी को थाली भिजवाइए, किया जलवाइए, फिर शंख भिजवाइए, फिर उसमें लाला रामदेव दवाइयां दिखवा रहे थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर। आज ऑक्सीजन देने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं है, बड़ी बड़ी भाषण किए जा रहे हैं। आप एक वाइट पेपर ले आइए, किस राज्य को कौन कौन से समय पर कितनी ऑक्सीजन दी है, एक वाइट पेपर केंद्र सरकार कितनी था, कोऑर्डिनेशन। अरे केंद्र सरकार एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई, केंद्र सरकार माइग्रेटरी लेबर्स का डाटा नहीं रख पाई, कितने माइग्रेटरी लेबर एक्सपायर हो गए चलते हुए का डाटा इनके पास, लेकिन मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया, उनसे बढ़ के कोई आदमी दाढ़ी बढ़ाने से कंप्लीट चलता होता तो आज ये हालत नहीं थी कि मृत्यु होने के बाद शमशान पे लाइन में लोग खड़े और ये लोग मोदी को कर रहे, शर्म नहीं आती आज भी गलती। ठीक है शायना जी, जल्दी से जवाब दीजिए आलोक जी की बातों का, उसके बाद सीमा जी का रुख करेंगे, संजय जी का रुख करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद क्या राज्यों की जिम्मेदारी डाली जाए, क्या जो ये वैक्सीन 4 दिन पहले तक लाइफ सेविंग वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही थी, राज्य एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी तक तो महाराष्ट्र बहुत बुरा है। अब यूपी और गुजरात की हालत और मध्य प्रदेश देखेंगे, मैं आज राज्यों पर नहीं जाना चाहता पूरी तरह से। आपको याद होगा किस तरह से पीएम केयर्स फंड में घोटाला हुआ, ऐसी ठीक है आलोक जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास, शायना जी हो रहा है, सुन लेते हैं सर, जो लीडर्स हैं वो वैक्सीन की कालाबाजारी करते घूम रहे, ठीक है जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र सरकार की आप बात कर रहे हैं तो आप कृपया सुन लीजिए, जिस प्रदेश में 15 लाख वैक्सीन सिर्फ आप छिपा के रखते हैं और आप कहते हैं कि आपके हिसाब से बांटेंगे, क्या ये सही है? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी आवश्यकता है आज, जहां केंद्र और राज्य के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं। क्यों नहीं बनाई चाइना की? आलोक जी, क्या केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको पता है कहीं पर है? लेकिन आरोप न लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना को लेकर दूसरे वेव को लेकर अपने मेडिकल फ्रंट भी बहुत ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, राज्य हो या केंद्र सरकार, राज्य हो या केंद्र सरकार,
उन खामियों के लिए नीति की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। कहां है नीति? नीति पर वही तो मैम बात हो रही है, नीतियों की बात हो रही है मैम, खामियों की बात हो रही है, कहां कहां पे दिक्कतें हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन आपने 15 लाख वैक्सीन का जिक्र किया है, मैं सीमा जी से ले लेती हूँ इसका जवाब। सीमा जी, अगर 15 लाख वैक्सीन अगर शाइना जी कह रही है कि छुपा के रखती है राज्य सरकार महाराष्ट्र में, और उसके बाद क्या क्या ये कहा जाए कि केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं एक धब्बा लगाने की कोशिश थी कि देखिए हम क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है इसलिए हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही। देखिए मतलब बहुत अजीब बात शाइना जी बोली, और किस बेसिस पर बोली मुझे नहीं पता कि वो कह रही कि हमने छिपा कर रखी हुई है। मतलब देखिए मैं राजनीति नहीं करना चाहती जिस समय, और बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज लोग भौंक रहे हैं, शमशानों पे भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर अगर हमारी सरकार अगर आपकी वैक्सीन मांग लेती है तो आप कहते हैं कि आपका जवाब होता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने वैक्सीन नहीं कर रखी है, आपने रेमडेसिविर की होल्डिंग कर रखी है। अगर किसी कंपनी के ऊपर हम बोलते हैं तो वहाँ पर बीजेपी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। मैं कहना नहीं चाहती पर विश्व गुरु और वर्ल्ड क्लास राजनीति है, हम इस तरह की बातें करने के लिए एक फ्री सेलिब्रेशन हमारी कंट्री में शुरू हो गया। हर चीज के ऐतिहासिक है शब्द है, और हम तो बहुत विश्व गुरु हैं और हमने वैक्सीन लगाई है। चलिए आप वैक्सीन की कमी है इसलिए हम मांग रहे हैं, द फोल्ड हैंड्स राज्य के लोग मांग रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। देखिए मैं एक डॉक्टर की हूँ, मैं एक राजनेता की तरह एक डॉक्टर की तरह आपसे बात कर रही हूँ, प्रैक्टिसिंग डेली फॉर लास्ट 25 इयर्स, और मैं आज ये स्थिति है कि मेरे पास सुबह से लेकर रात तक फोन आते हैं कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, और मुझे लगता था कि मैं इतने लोगों को जानती हूँ, इतने हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, बट मैं आज ये स्थिति है सच में किसी ऑक्सीजन वाला बेड नहीं दिला पा। ठीक है संजय जी से इस पे जवाब ले लेते हैं, ठीक है सीमा जी मैं आऊंगी आपके पास। सीमा जी वैक्सीन को मतलब तैयार किया गया, आज हमारे देश में के पास वैक्सीन नहीं है, आज वो संजय द्विवेदी जी, सवाल इस बात को लेकर है अगर वैक्सीन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर बेड उपलब्ध नहीं है, अगर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए क्या पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ना ठीक है क्या? राज्य सरकार की खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं फोड़ा संजय जी, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं होती थी वो राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के अधीन होती थी। लेकिन अब आप पूछ लीजिए साइना एनसीजी से, इस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रदेशों की वो टोटल कोरोना के बाद माननीय केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। अब आज मुझे एक चीज बताइए, आज संक्रमण पहला संक्रमण की बात कर रही थी माइना साइना जी, लेकिन उस समय संक्रमण इतना ज्यादा विकराल उदाहरण नहीं किए हुए था, लेकिन जो संक्रमण आज विकराल उदाहरण किए हुए है कि आप लखनऊ देखिए, वाराणसी देखिए, हाईकोर्ट को कहना पड़ा, देखिए हाईकोर्ट को आज कहना पड़ा कि 5 जिलों में लगा दीजिए, 15 दिन के लिए विचार करिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए। मैं बिल्कुल वही बात आप कहना चाहता हूँ कि देखिए महाराष्ट्र में माननीय उद्धव जी ठाकरे ने, मुख्यमंत्री जी ने उससे पहले चेन का एक लेके अपना काम शुरू कर दिया, उसमें भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने बड़ा विरोध किया कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं भाई, अगर संक्रमण विकराल रूप ले रहा है तो महाराष्ट्र में नहीं ले रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ले रहा है, मध्य प्रदेश में भी ले रहा है, राजस्थान में ले रहा है। अब दूसरी चीज है, आप कुंभ मना करते हैं कि भाई कुंभ मत करिए, लेकिन चुनाव रैली में आज भी देख रहा है, चुनाव रैलियों में माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं, उनको लखनऊ की चिंता नहीं है कि लखनऊ में आज चलिए ठीक है ठीक है। ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है कि बाकी जगह तो कोरोना फैल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव है, वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों हजारों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा? लेकिन क्या मैम कोरोना पश्चिम बंगाल में नहीं है क्या जहाँ पर चुनाव हो रहा है, या वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना इफेक्टिव नहीं है, या जहाँ प्रधानमंत्री की रैली होगी वहाँ पर कोरोना नहीं आ सकता, ऐसा कुछ है क्या? शाइना जी आवाज मिल पा रही है आपको? च-
चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही शाइना जी के पास। आलोक जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ या फिर उन उन राज्यों के साथ जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर किसी अन्य दल की सरकार है? देखिए, मुझे लगता है राज्यों पे कुछ भी नहीं, चाहे वो बीजेपी के राज्य भी हो, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नेहा जी लागू होगा स्वाभाविक है कि केंद्र से ही सब उम्मीद करें। जब पेट्रोल और डीजल पर सेस जो है बजट में कोरोना के लिए केंद्र सरकार वसूलेगा तो स्वाभाविक है कि राज्य मांगेंगे, राज्य चाहेंगे कि जीएसटी का शेयर मिले, राज्य चाहेंगे कि तमाम चीजें सेंटर से मिलनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन हो, चाहे तमाम चीजें हो, एक्सपोर्ट हो, सब चीजें पूरी तरह से केंद्र के अधीन है, केंद्र के कंट्रोल में है, तो स्वाभाविक है कि राज्य मांगे। आज क्या बात है कि हर नॉन बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार की तरफ देखता है, बीजेपी राज्यों के सीएम को सब रबर स्टैंप कटपुतली है, वो लोग नहीं मांग सकते। हिम्मत है कि मोदी से कहे कि हमारे यहाँ भेदभाव हो रहा है या हमें चीजें नहीं मिल रही, किसी अगले दिन हट जाएगा। मुझे लगता है कि आज बीजेपी ने देश को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि सवा साल की तैयारी मिलने के बाद हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर अगर आ रहा है, अगर कहीं आ रहा है तो उसको पहले पूजा होती है, फोटो सेशन हो रहा है, पता नहीं क्या है। जिस तरह से आप देखिए महाराष्ट्र के नेता जिस तरह से एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन की होर्डिंग करते हुए पकड़े हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। मैं आपके पास आऊंगी आलोक जी आऊंगी, फिर मौका दूंगी मैं आपको। शाइना जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जी जी, रखिए, जल्दी से रखिए। जी, कहना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल का जो पैसा है वो केंद्र मुहैया नहीं करा रहा है, ना वैक्सीन वालों को, ना कोशील्ड वालों को, ना पुणे वालों को, ना हैदराबाद वालों को। रॉ मटेरियल अमेरिका को क्या केंद्र की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं कि किस तरह से क्या करेंगे, जीरो प्लानिंग रही। पिछले 6 महीने में मोदी जी ने बिहार चुनाव से लेकर अभी तक 62 रैलियां की हैं चुनाव की, लेकिन 15 मीटिंग नहीं थी। आप बताइए, क्या एक टेक्निकल लोगों की एक कमेटी हिंदुस्तान नहीं दे सकता कि तमाम एम्स के डॉक्टर्स जो हेड्स हैं उनकी एक कमेटी बना दी जाए? नहीं बनी अभी तक इनसे, क्यों कोई श्रेय और ना लेकर चला? वैक्सीन इम्पोर्ट करने पर माननीय राहुल गांधी जी ने सुझाव दिया कि हमारे पास अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है पूरा तो बाहर से वैक्सीन ले। तो अहंकारी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, चलिए वैक्सीन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं शाइना जी से। शाइना जी दे रहे हैं, ठीक है आलोक जी ठीक है, अमित शाह जी खा रहे हैं, ठीक है। शाइना जी, सवाल इस बात को लेकर है और लगातार हर गेस्ट ये कह रहे हैं कि हर जगह कोरोना है, तो क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है? आवाज चढ़ गई होगी जी? आवाज चढ़ गई लग रहा है। शाइना जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी ठीक है, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है डॉक्टर सीमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो हालात और जो स्थिति बनी हुई है, तो मैम इसमें ये मुझे समझाइए कि अगर ऑक्सीजन नहीं है या फिर दवाइयों की कमी है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं जो लचर है, क्या हमने एक साल में वो प्रिपरेशन नहीं की? एक जो पहले लहर आई थी उसके बाद ये दूसरी लहर आई है, या फिर हम हमारी जो सरकारें हैं या फिर यूं कहे कि जो हमारी सरकार है वो दूसरी लहर के लिए तैयार ही नहीं थी कि एक साल बाद अगर दूसरी लहर आए तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करें, पहले से प्लानिंग करें? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार इस लहर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जो मैं राजनीति नहीं करना चाहती, पर जिस तरह से पीएम केयर फंड के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से बोला गया था कि हमारे पास सारे वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए गए हैं, जिससे ज्यादातर बोगस निकली, कुछ कंपनीज थी जो बोगस निकली, जिससे मैं उनके कहिए तो भी आपको बता दूं, और जिस तरह सब स्टैंडर्ड्स वेंटिलेटर्स दिए गए, मतलब इतना बोला गया था कि इससे इतने सारे वेंटिलेटर्स आ रहे हैं और हो गए, और इनफैक्ट कुछ तो वाइंड अप कर दिए गए, कुछ डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स वगैरह जो बने थे, तो मुझे तो और कई बार तो जब अगर हम बोलते हैं, अगर ऑपोजिशन बहुत पॉजिटिव सजेशन भी देता है तो उसके लिए आप हमें ब्लेम करते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बोला राहुल गांधी ने कि भी हमें बाहर से लेने चाहिए वैक्सीन, तो उस समय आपने बोला कि दिस इज अ फार्मेसी कॉपी है, ये
और ये है, तो ये सब आप बिल्कुल ट्रोल करने लगते हैं बीजेपी के लोग हैं अगर आप। और आईसीएमआर के देखिए जो डॉक्टर पांड्या है, उन्होंने भी बोला था कि भी सेकंड वेव तो आएगी, सेकंड वेव थर्ड आती है, पर वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, ये मेरे कहने की बात नहीं है। सब जिस तरह से शमशान घाट का टोकन रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और अगर लेकिन मैं मैम खास तौर पे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में तो पहले भी हालात खराब थे, इससे पहले जब हमने फर्स्ट वेव देखी थी तब भी हालात खराब थे, आज भी हालात खराब है, तो महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों है कोविड के? तो अगर क्यों, अगर देखिए अगर वहां पर एक कमर्शियल कैपिटल है, लोग वहां बाहर से आते हैं और इतना व्यापार वहां चलता है, नेचुरली वहां पे अगर केसेस ज्यादा है, आप मानते हैं ना केसेस ज्यादा है, अगर हमारे पास पूरी नेशन के 60% हमारे पास पॉजिटिव केसेस हैं, और अगर हम ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं या रेमडेसिविर की डिमांड करते हैं, तो बजाय इसके कि आप हमें दें, आप उल्टे कि ये सरकार भ्रष्ट है, है। देखिए कितनी वाइजली हम लोग ने एक्ट कर रहे हैं, और ऑल द लेवल्स वी हैव अ 4 फुट लेवल। ठीक है संजय जी, इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की विफलता दिखाई नहीं देती कि इतने केसेस सामने आ रहे हैं? इससे पहले हमने देखा कि फर्स्ट वेव में भी इसी तरह के केसेस सामने आए थे। ये 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 एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बजाय यहाँ पे जरूरत नहीं है कि गलती जानने समझने और उसमें सुधार लाने की? संजय जी बना के रखे, और सबसे पहले जो ब्रेक द चेन वाला डिसीजन लिया गया वो महाराष्ट्र में लिया गया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुराई भी की। अभी आप देखिए काला बाजारी कर रहा सप्लायर इंजेक्शन की, उसको बुलाया गया थाने में, उसको उसके मुसाफिर बुलाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंच जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए। ये कैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही? क्या भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी ढूंढ रही है, आपदा में भी खेल करना चाहती है? ये किस तरह की इनकी कार्यप्रणाली है कि अगर कालाबाजारी कोई करेगा तो उसकी हम सहायता करेंगे? आज जनता तड़प रही है ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए तड़प रही है। उसके लिए आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी आज अस्वस्थ है, मैं फिर कामना करता हूँ, लेकिन उन्होंने बंगाल चुनावी चक्कर में आज माननीय राज्य बंगाल चुनाव का बार बार जिक्र हो रहा है। शाइना जी, शाइना जी आवाज मिल पा रही है आपको? ये भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र कंपनियों पर दबाव बना रहा है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं दिए जाए। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो प्रधानमंत्री फोन पर बातचीत नहीं करते क्योंकि वो बंगाल चुनाव में बिजी है। उसके बाद पत्र लिखा गया, इसका भी जवाब नहीं आया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय लोगों की जान से? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जाहिर तौर पर इसका जवाब अब सरकार को देना भी चाहिए। आलोक जी, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और देखिए 4-5 ऐसे गैर बीजेपी शासित राज्य भी है जो लगातार भेदभाव का आरोप तो लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है अब इस वक्त किस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है ताकि चुनावों को ज्यादा महत्वपूर्ण ना मानते हुए लोगों की जान को ज्यादा महफूज किया जा सके? देखिए मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री भी और देश की गृह मंत्री, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट लागू है जो गृह मंत्रालय की तरफ से, सबसे पहले उन दोनों एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं जिसमें कोऑर्डिनेशन का 3-4 लेवल होने चाहिए, विभिन्न राज्यों के मिनिस्टर्स होने चाहिए उसमें, ताकि डेली उनकी मीटिंग हो किस राज्य में क्या सिचुएशन। एक टेक्निकल लोगों की डॉक्टर्स की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो टेक्निकल ग्राउंड पे बात करें कि वायरस के अंदर किस तरह के म्यूटेशंस आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे है। तीसरा फाइनेंस के एंगल से कि रिसोर्सेज कहाँ आएंगे, रिसोर्सेज कब कब किस राज्य को कितना रिसोर्स चाहिए, कहाँ पर कौन कहाँ से मिलेगी हमें। आज जैसे मान डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा है एक तो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, वाइट बिल्कुल पेपर होना चाहिए कि वैक्सीन के ऑर्डर केंद्र सरकार दे। आज केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये माने कि आपदा है, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरह अपने आप को अंधेरे में ना रखे कि आपदा है ही नहीं, ये बहुत बड़ी आपदा है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए सबको। और सिकंदर को वेस्ट बंगाल फतह करने की बजाय देश को कैसे हारने से बचाया जाए पर काम करना चाहिए। अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा कि जान भी बचेगी, जान भी बचेगा और 20 लाख करोड़ का पैकेज आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है देश के प्रधानमंत्री ने।
ठीक है शाइना जी, शाइना जी लगातार इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि एक तो बंगाल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए बीजेपी के लिए, कि देश में कितनी जाने जा रही है इसकी बेपरवाह यहाँ पर सरकार को दिखाई नहीं दे रही या फिर नहीं हो रही है, क्या वाकई आप लोगों के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय लोगों के? शाइना जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही हो जाता है यहाँ पर कि क्या लोगों की जान की परवाह यहाँ पर नहीं है। संजय जी सवाल इस बात को लेकर भी, उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि हमने तो चिट्ठी भी लिखी जिसका जवाब नहीं दिया गया, हमने फोन पर भी बात की, प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में बिजी है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि इस और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, और ऐसी कौन कौन सी डिमांड आप लोगों की तरफ से की गई है जो केंद्र की तरफ से पूरी नहीं की गई? संजय जी आवाज मिल पा रही है? जी मैं सुन रहा हूँ आवाज। हाँ जी जी सर, कौन सी डिमांड आप लोगों की तरफ से कोरोना के मद्देनजर की गई है जो केंद्र की तरफ से पूरी नहीं की गई या फिर केंद्र सुनने को तैयार नहीं है? देखिए रेडीमेड मिक्सर जो इंजेक्शन जो है वो ऑक्सीजन की मांग की गई, बेड की मांग की गई है, क्योंकि दिक्कत यह आ रही है मैडम की बंगाल में चुनाव चल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो सर मुझे ये बताइए, संजय जी मुझे ये बताइए, आप लोगों ने पहले लहर से क्या सीखा, महाराष्ट्र की सरकार ने फर्स्ट वेव से क्या सीखा? मैंने आप एक बात अभी स्पष्ट एक बात कही थी, आपने सुना नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ की राज्यों की वो केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाएं होने की वजह से ऑक्सीजन से लेके जो भी इंतजाम होगा वो इंतजाम करके देना बेड का केंद्र सरकार को। तो हमने सोचा हमने बेड ही भरवाए, बेड ही भरवाए, ऐसा नहीं है बेड ही भरे, महाराष्ट्र में बेड ही भरे हैं और सभी कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सरकार केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए, जो जो जहाँ सरकार इनकी नहीं है वहाँ वहाँ में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन गुजरात इंजेक्शन आ गया उत्तर प्रदेश के, लेकिन महाराष्ट्र में आ गया है तो उससे इंतजाम करके नहीं दिया गया। जो ये जो ये दो ही राजनीति की जा रही है, जनता के साथ की जा रही है, सरकार के साथ छोड़िए आप, जनता के साथ राजनीति की जा रही है वो गलत है, उसको केंद्र सरकार को रोकना चाहिए और इसके लिए इस बीमारी को इस आपदा को आपदा में सरकार सहयोग करके इस आपदा से लड़ने की बात करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। ठीक है सीमा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है ममता बनर्जी की भी तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जो भारत को संभाल नहीं पा रही हैं और ऐसे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि इस वक्त जो हालात जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है इस पेंडेमिक के वक्त, अब सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है बजाय राजनीति करने के, इस्तीफा मांगने के, सुझाव देने की यहाँ पर जरूरत है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? सीमा जी जी बिल्कुल आप ठीक बात है कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर एक ये भी फैक्ट है, या आप भी अपने जानती हैं, बीजेपी की प्रवक्ता भी अपने दिल में जानती है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि चुनावी रैली हो रही है और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, जिस तरह से लोग बिना मास्क के वहां बैठे हैं, अगर आप रैली कर भी रहे थे तो मैंने आज तक इस राजनेता को वहां से ये कहते नहीं सुना कि आप प्लीज मास्क पहन के आइए, खुद उन लोग ने मास्क नहीं पहन रखे हैं, तो इसके लिए कोई भी कहेगा। और एक है कि अगर ममता जितने या राहुल गांधी ने कहा कि हम आगे प्रचार नहीं करेंगे तो बीजेपी भी ऐसा कह सकते थे या कुछ वर्चुअल लेवल पे कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए हम राजनीति
नहीं करना चाहते, पर ये आज का देश दिख रहा है, ये जो चरित्र है, दोहरा चरित्र है इनका, आप सुबह से आप रैली करते हैं और शाम को आप कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, कब तक लोग मतलब ये सब करेंगे, ये थाली बजाना, ये सब भी थाली बजाई भी कॉम्पिटेंट, हम कभी भी केंद्र को आप हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हम सपोर्ट कर रहा है, पर अगर हमें 40 लाख वैक्सीन की जरूरत है और आप मुझे 7 लाख दोगे और मेरे बड़े ह्यूमन क्राई के बाद आप उसको 17 कर दोगे, तो अगर हमारी स्वास्थ्य डिमांड करते हैं तो आप हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अब लोगों के लिए कर रहे हैं, सब हमारे हैं, ठीक है। आलोक जी, आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्या वाकई आपको लगता है कि राज्यों को और अधिकार मिलना चाहिए? देखिए इस वक्त हमारा पूरा सिस्टम लड़खड़ाया हुआ है कोरोना काल में और जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है भयावह है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्यों को और अधिकार मिलना चाहिए? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है राज्यों को अधिकार भी मिलना चाहिए, रिसोर्सेज भी मिलने, दोनों चीजें हैं। अधिकार इस एंगल से मिलना चाहिए कि अपने अपने राज्य को कैसे मैनेज करना है वो बेहतर समझते हैं, वहां पर चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी एक पॉइंट दिया है कि भाई कौन कोरोना वॉरियर्स हैं या कौन फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डिसाइड करने का जो अधिकार है वो राज्यों को है। अभी तक ये सरकार पत्रकारों को भी ऐसा नहीं मानती है कि कोरोना में आप लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जबकि एक रिपोर्टर सबसे ज्यादा रिस्क लेकर वो शमशान से भी खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन लेने में राज्यों को और अधिकार दिए जाने चाहिए, साथ साथ अधिकारों के साथ साथ उनको और रिसोर्सेज भी दिए जाने चाहिए, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, एक व्हाइट पेपर आए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने कि वैक्सीनेशन कैसे होगा, वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे होगा और कैसे हम निपटेंगे, हर चीज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी काम हो तभी जाकर बात बने। अगर सोचा जाए कि मोदी सोचे कि हम विश्व गुरु बन गए और हमने बनने पा लिया है, तरह से देश आज अंधकार में धकेल दिया है बीजेपी की सरकार ने, आने वाला समय और ज्यादा भयावह। बिल्कुल, अगर अगर अभी हालात से नहीं निपटा गया तो आने वाला समय और भयावह होगा और जाहिर तौर पर उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालात और जो स्थितियां हैं वो भयावह हैं, लेकिन ऐसे में मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़िए अगर कोरोना को हराना है तो। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना, नमस्कार।